आज मेरे पास आपके पास जो खबर है आपके लिए वो यही है कि आपका पाठ्यक्रम काफी कुछ चेंज हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाकर देखिए तो वेबसाइट पे हिंदी साहित्य का सिलेबस बदल गया है बहुत ज्यादा। पर खुशकिस्मती आपकी यह है कि हिंदी साहित्य का ही बदला है और किसी सब्जेक्ट में बहुत माइनर चेंजेस हैं, औरों में इतने चेंजेस नहीं है, पर हिंदी साहित्य में आपका काफी कुछ बदला है। तो मैं आज आपको जो बदला हुआ सिलेबस है वो बता रही हूँ। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके पेपर वो दो ही हैं जो पहले होते थे। पहला पेपर आपका आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से होता था, अभी भी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आदिकाल और भक्तिकाल के ही नाम से है। आदिकाल में आपने ढोला मारूरा दुहा पढ़े थे, वो अभी भी कोर्स में है आपके। विद्यापति में आपने विद्यापति के पद पढ़े थे, उसमें से वो अभी भी कोर्स में है। जो एक आध चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। नरपति नाहल बीसल देव रासो पढ़ रहे थे अपन, वो आपके अभी भी कोर्स में है। कबीर दास में आपके पास साखी थी, गुरुदेव को अंग और मन को अंग, तो अब ये मन को अंग और जुड़ गया है तो ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी। गुरुदेव को अंग हम आपको पढ़ा चुके। उसके बाद इनके कुछ पद थे, पद में आप ये देखिए जैसे पंडितवाद वदंते झूठा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी है। चार पद इनके नए आ गए हैं, हमें दोबारा से पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। सूरदास में आपके भ्रमर गीत हैं, तो भ्रमर गीत आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि जो भ्रमर गीत आप पढ़ चुके हो वही अभी भी हैं। केवल एक भ्रमर गीत मुझे यहाँ बदला हुआ दिख रहा है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी। जो जो चेंजेस है बताती जा रही हूँ, आप ध्यान से देखें, और मैं इसकी फोटो भी आपके ग्रुप पे डाल दूंगी तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। तुलसीदास में काफी कुछ चेंजेस हैं। तुलसीदास में आपके विनय पत्रिका के तीन पद हैं और रामचरितमानस का बाल कांड है जो कि पहले नहीं था, अब है, तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन खास बात क्या है, हमेशा मैंने आपसे एक बात कही है कि आपके कोई भी कवि की काव्य का सौंदर्य जरूर आएंगे, तो कविता नहीं बदले ना, उनकी कविताएं बदल गई हैं। यानी कि हमारा एक प्रश्न तो अभी भी तैयार है हर पाठ का, कौन सा, इनकी काव्यगत सौंदर्य बताइए। काव्यगत सौंदर्य मैं आपको सबको बताती हूँ, और आपने देखा होगा मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही यही है, मैं कविता बाद में लेती हूँ, पहले उस कवि का परिचय और उस कवि की काव्यगत विशेषताएं आपको समझा देती हूँ। तो वो तो नहीं बदली, कवि तो वो क्यों वही है, तो काव्यगत विशेषताएं तो बदली नहीं है, कविताएं बदल गई है कुछ कुछ, वो हम नहीं पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और हमको आदत है चुनौतियों से लड़ने की। फिर है जायसी, हमने जायसी पहले भी पढ़ी है, पर अब जायसी में सीएल दीप वर्णन के साथ साथ नागमती वियोग भी आ गया है जो कि पहले नहीं था, तो वो भी हमें पढ़ने हैं। मीरा कवि वही है, कवित्री वही है, लेकिन उसके अंदर के पद बदल गए हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। रसखान हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बदल गया है लेकिन कम से कम काव्यगत विशेषताएं तो वही रहने वाली हैं। रही कविताओं की बात तो हम समय रहते इनको पढ़ लेंगे, क्लियर। फिर है आदिकाल और भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां, ये तो आपको मैं पहले भी वीडियो बना के दे चुकी हूँ, और इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% प्रश्न आएगा, आदिकाल और भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां बताइए, और दोनों पे मैं अलग अलग विशेष वीडियो बना चुकी हूँ, आदिकाल की विशेषताएं और विशेषताएं पढ़ लीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कुछ बड़े परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन तो यह है कि अब तक आप केवल कहानियां और कथेतर विधाएं पढ़ते थे, अब आपको एक नॉवेल पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। आपके कोर्स में उन्होंने एक पूरा उपन्यास लगा दिया है, ग्लोबल गांव के देवता, रणेंद्र का लिखा हुआ ये उपन्यास है। तो पढ़ना है आपको, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपको पढ़कर बहुत मजा आने वाला है, ये उपन्यास है बहुत अच्छा, है ना। तो ग्लोबल गांव के जो देवता है ये बहुत बढ़िया, मैं तो जब इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो मुझे तो KGF 2 मूवी याद आ रही थी। ये आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उन पर किस तरीके का अत्याचार और शोषण हो रहा है, उसको लेकर एक बहुत प्यारा सा निबंध उपन्यास है जिससे आपको पढ़ना, क्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपके पाठ्यक्रम में आया है कि अभी तक आप उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे, अब आपको उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद आपकी कहानी आती है, कहानी में आपने उसने कहा था कहानी पढ़ी थी, अभी भी वो कोर्स में है आपके, ठीक है। पूस की रात नई कहानी आ गई है, पर हाँ पूस की रात आपके लिए कोई नई कहानी नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है पहले आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो बहुत मजेदार कहानी है, मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाने वाली हूँ। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की बहुत ही शानदार कहानी है, पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। पाजे पहले भी थी, अभी भी आ गई है। पर्दा यशपाल की बहुत शानदार कहानी है, मैंने तो 9th क्लास में पढ़ी थी जब मैं 9th में पढ़ा करती थी,
तब मेरे कोर्स में थी, और बहुत अच्छी कहानी है, मजा आएगा अपन को। आद्रा मोहन राकेश की कहानी है, यही सच है मनु भंडारी की कहानी है, गदल ये हमारे पहले भी कोर्स में थी और अभी भी कोर्स में है, पिक्चर पोस्टकार्ड ये कोर्स में नहीं थी, जुड़ गई है, सिक्का बदल गया ये कोर्स में नहीं थी, बदल गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे। तीन कहानियां अभी भी हमारे पुरानी हैं, तो जब तक नई किताब आपकी आती है तब तक आप ये तीन कहानियां तैयार कर लीजिए। कौन कौन सी? उसने कहा था पाजेब और गदल, क्लियर? कोई दिक्कत? तीनों पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो तीनों कहानी तैयार कर लीजिए। फिर जो स आपका भाग है, स खंड है, उसमें हिंदी उपन्यास व कहानी का स्वरूप और परिभाषा, और हिंदी उपन्यास व हिंदी कहानी का विकास, के हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, कहानी किसे कहते हैं, ये भी आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, कहानी किसे कहते हैं, कहानी के क्या तत्व हैं, और कहानी का विकास हमारे हिंदी साहित्य में कैसे हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है भी तो आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, हमको इसी पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर तो इसी पाठ्यक्रम में से आने वाला है, तो हमको इसकी तैयारी करनी है। तो बढ़िया ये है कि हम सहर से इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, और घबराइए मत, आपकी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछते जाइए, रेगुलर क्लास ज्वाइन करते जाइए, मैं आपको सब कुछ स्पष्ट कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, कोई दिक्कत ज़्यादा आने वाली नहीं है, पर हाँ आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और पिछला पढ़ा है वो भी आप ये मत सोचिए बेकार गया है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके अभी भी बहुत काम आने वाली है। क्लियर? दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे दिक्कत है, कोई बात नहीं, दिक्कत हो तो आप मुझे स्पष्ट रूप से कहें, मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। हाँ ये हो सकता है हमको कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, तो आप तैयार हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए? एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका सारा कोर्स पूरा कराएंगे, दौड़ाएंगे नहीं आपको, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत मजे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो नई कहानियां आई है ना वो भी बहुत मजेदार है। और हमेशा ध्यान रखिए परिवर्तन सुखकारी ही होता है, हमेशा शुभ लाने वाला होता है, सुख लाने वाला होता है, परिवर्तन कभी भी हमको गर्त में नहीं ले जाता, पतन में नहीं ले जाता, पर उस परिवर्तन से भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलती है, कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके।